गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन मोलाइलिटी एंड मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट लास्ट वीडियो लेक्चर यू आर डिस्कस टू मोलाइलिटी मोल फ्रैक्शन या मेजरमेंट ऑफ सोलूशन या मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सोलूसन लास्ट वीडियो में हम लोग ये सीखा था कि सोलूशन को मेजर करने के लिए कौन कौन टर्म होते हैं या मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सोल्यूशन उसमें हम लोग मोलिटी जाना था कि मोलिटी क्या है और मोल फ्रेक्शन क्या है मोलेलिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सलूट डिजॉल्व इन वन के जी ऑफ सालवेंट इज नोन एज मोलिटी और मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल फ्रैक्शन को हम साई से या एक से इंडिकेट करते हैं और मोलालिटी को स्माल एम से इंडिकेट करते हैं तो इन दोनों में आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ आल कंपोनेंट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन अब इन दोनों में क्या संबंध हैं आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट एक्स बी एक्स बी क्या है सलूट का मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस इक्वेश इसको हम वन इक्वेशन मेंशन कर दिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए इज इक्वल टू एन एपान एन ए प्लस एन बी शुरू में मैं बताया कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोल फैक्शन ऑफ सालमेंट तो इसको हम इक्वेशन टू कर दिया अब इन दो इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन वन अपान इक्वेशन टू डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन वन अपान इक्वेशन टू क्या मिलेगा एक्स बी अपान एक्जकल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी अपान एन ए अपान एन ए प्लस एन बी ये एन एन ए प्लस एन बी ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा एन बी अपान एन ए ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो मिला आपको एक्स बी अपान एक्स से मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सलूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सलूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट यहां तक क्लियर हुआ हम लोग रिलेशन प्राप्त करेंगे मोल्टी और मोल फ्रैक्शन में सिंस वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इक्वेशन वन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन ए अपन एन ए प्लस एन बी इक्वेशन टू डिवाइडिंग इक्वेशन वन अपान इक्वेशन टू तो देन वी गेट अपटेन एक्स बी अपान एक्स ए इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए अब इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एक्स बी अपान एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी अपान एक्स ए इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए एन बी इज इक्वल टू डब्लू बी अपान एम ए पढ़े हम लोग एन बी इज इक्वल टू डब्लू बी अपान एम ए उसके बाद अगर इसको हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी अपान डब्लू ए अपान एम ए अब इसको समझिएगा कि ये ए में आपका ऊपर चला जाएगा तो एक्स बी अपान एक्स ए इज इक्वल टू एन बी अपान डब्लू ए इंटू एम ए वेयर एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मूल ऑफ सलूट ये तो पता है और डब्लू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट जहां आपका ए मेंशन किया जाएगा उसको हम सालवेंट बोलेंगे बी मेंशन किया जाएगा उसको हम सलूट बोलेंगे और एम ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सालवेंट क्लियर अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इन इस इक्वेशन को हम दोनों साइड थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय थाउजेंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय थाउजेंड तो देन एक्स बी अपान एक्स ए इंटू थाउजेंड इज इक्वल टू एन बी डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड इंटू एम ए अब देखिए यहाँ पर कि एन बी अपन डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड को हम लिख सकते हैं मोल्टी मोलल्टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सलूट एन बी अपन डब्लू ए इंटू थाउजेंड ये फार्मूला हम लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर डब्लू ए क्या है वेट ऑफ सालवेंट इन ग्राम अगर ये थाउजेंड नहीं रहता तो हम वेट ऑफ सालवेंट इन के जी इसको मेंशन करते तो एन बी इन टू थाउजेंड अपान डब्लू ए को हम क्या लिख सकते हैं तो इसको हम मेंशन कर सकते स्मॉल एम बी तो देन एक्स बी अपान एक्स ए इज इक्व टू मोल्टी इंटू मोलर मास इंटू मोलर मास तो देन मोलालिटी इज इक्वल टू मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन हमारा क्या मिलेगा देन मोलालिटी इज इक्वल टू मोलिटी इज इक्वल टू क्रास अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुलालिटी इज इक्वल टू एक्स बी मुलालिटी इज इक्वल टू एक्स बी अपन एक्स ए मुलालिटी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू थाउजेंड इंटू डब्लू ए ये आपका रिलेशन मिल गया मोलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट इंटू थाउजेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सालवेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉरी ये आपका एम ए इंटू मोलर मास ऑफ सालवेंट तो वेयर एक्स भी क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट और एक से क्या होगा मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और ए में क्या है एम ए एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो इस तरह से हम रिलेशन प्राप्त किया मोलिटी और मोल फ्रैक्शन में इस रिलेशन से हमको एन में क्वेश्चन दिया हुआ है इंटेक्स का अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.5 पॉइंट फाइव को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो इस फार्मूले से हमारा मोलिटी निकल जाएगा या मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट या सालविन निकल जाएगा तो आज हम लोग ये देखा कि मोलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है तो मोलिटी इज इक्वल टू थाउजेंड इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सालवें मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सालवेंट इंटू मोलर मास ऑफ सालवेंट इतना क्लियर हुआ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सालवेंट दोनों का हम फार्मूला राइट कर लेंगे सलूट का मोल फ्रैक्शन अपान सालवेंट का मोल फ्रैक्शन किया उसको मॉडिफाई करने के बाद दोनों साइड हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया थाउजेंड से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड में हमारा एन बी इंटू थाउजेंड अपान हमको मिला क्या डब्ल्यू ए इंटू एम ए तो एन बी इंटू थाउजेंड अपान डब्लू ए को हम क्या राइट करेंगे मुलल्टी लिखेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि एक्स बी अपान एक्स ए इज इक्वल टू मोलालिटी इन मोलर मास ऑफ तो देन वी गेट मोलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट इंटू साउजेंट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सालवेंट इन मोलर मास ऑफ सालवेंट तो इस फार्मूले से हम बहुत सारे एन सी टी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे एग्जाम्पल आपको मैं दे दिया इंटेक्स का 2.5 और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा उसके बाद जब हम लोग मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन प्राप्त कर लिया तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मोलाइटी पढ़ेंगे मोलाइटी किसको पढ़ेंगे मोलाटी कैपिटल एम के बारे में पढ़ेंगे जब कैपिटल एम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो कैपिटल एम और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन प्राप्त करेंगे थैंक यू हैव ए नाइज डे